तो गुस्सा आएगी ना, क्यों बोलेंगे? महाराज पति ने बोला असल बाप की हो तो नहीं बोलना, बड़ा गुस्सा आया महाराज, बोलती नहीं है 6 महीने हो गए, 6 महीने से पति से बोलती नहीं है। एक दिन क्या हुआ, पति देव बीड़ी पीते थे, बीड़ी पी रहे थे तो पत्नी झाड़ू लगा रही थी आंगन में। अब पति ने बीड़ी पी और बीड़ी को पी करके पीछे फेंका, कुर्ता पहने थे कुर्ता, तो वो बीड़ी कुर्ते पर गिरी, कुर्ता जलने लगा, बीड़ी जल रही थी तो कुर्ता भी जलने लगा। अब जैसे ही कुर्ता जलने लगा उस देवी की नजर गई, पति का कुर्ता जल रहा लेकिन कहे कैसे, असल बाप की है ना, नहीं कह सकती है। तो महाराज वो देवी झाड़ू लगा रही है और कहने लगी किसी का कुर्ता जले या पजामा मुझे कोई मतलब नहीं, किसी का कुर्ता जले या पजामा मुझे कोई मतलब नहीं। उसके पति ने देखा यहाँ कोई नहीं कुर्ता पजामा वाला, मैं ही हूँ, पीछे मुड़ के देखा तो उसी का कुर्ता जल रहा था। तो कहा अगर ये माताएं लूट जाएं तो फिर भगवान मालिक है। आज मैया पार्वती जी गुस्सा करके ले गई है ना, बोले ना, कहते देवी क्या हुआ? पार्वती जी बोली गुस्से में आके, अभी तक तो मैं समझती थी कि आप ऊपर से काले हो, लेकिन आज समझ गई मैं कि आप ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले हो। क्या कहा देवी, अंदर से काला? अरे देवी अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है, पर मैंने तो तेरे साथ कोई कपट नहीं किया। अच्छा आप भी कपट नहीं किया, बताओ ये मुंडों की माला किसकी है और इसे क्यों पहनते हो? बोले नाथ, कहते देवी इतनी सी बात में इतनी सारी गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, अगर ये पूछना था ना तो आसानी से पूछ देती ये माला किसकी है क्यों पहनते, मैं बता देता, इतनी गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। पार्वती जी बोली हाँ बताइए जल्दी, ये माला किसकी है क्यों पहनते? बोले नाथ, कहते देवी तुम मुझे कब की कह रही हो, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे तुम्हारे प्रेम का कुछ साक्षी है तो ये मुंडों की माला ही है। देवी जब तुम मर जाया करती थी तो मैं तेरे सिर को काट करके उसकी माला बना करके पहन के 24 घंटे घूमता हूँ और तुम मुझे कपटी बोल रही हो। क्या कहा, मेरे मुंडों की माला, मैं मर जाती थी? हाँ देवी तुम मर जाती थी। अच्छा बोले ना तो एक बात बताओ, हम मरते रहे लेकिन आज तक तुम काहे नहीं मरे, बोलो, अगर हम मरे तो तुम्हें भी तो मरना चाहिए, तुम काहे नहीं मरे? बोले नाथ, कहते देवी मैं अमर कथा जानता हूँ। ओह मैंने तो समझा था आप कपटी हैं, लेकिन आप कपटी नहीं, आप महाकपटी हो, महाकपटी हो। बोले नाथ अमर कथा जानते थे मुझे भी सुना देते तो मैं भी अमर हो जाती, लेकिन आपने मुझे नहीं सुनाई, आप महाकपटी हो। और सुनिए भोलेनाथ, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे अमर कथा सुननी है, मुझे भी अमर होना है, मुझे भी अमर होना है। भोलेनाथ ने कहा देवी ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से दूर चलना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा चलूंगी लेकिन अमर कथा सुनूंगी। भोलेनाथ मैया पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, वहां जाकर बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ ने सुंदर सा आसन लगाया, बैठ गए, जोर का डमरू बजाया, कैलाश पर्वत पर जितने पशु पक्षी थे सब कैलाश को छोड़ के भाग गए, लेकिन महाराज उसी पेड़ के पीछे तोते का बच्चा पड़ा हुआ था, उसके पंख नहीं जमे थे, पक्षी को पंख नहीं होंगे तो उड़ेगा कैसे, सारे पक्षी भाग गए, तोते का बच्चा पड़ा है। भोलेनाथ ने कहा देवी जब मैं कथा कहता हूँ ना तो मेरा एक नियम है, आंखें बंद करके कथा कहता हूँ, अब तुम कथा सुनोगी या नहीं सुनोगी मुझे पता कैसे चलेगा? देवी उसके लिए हुंका भरती जाना, जवाब देती जाना, ठीक है महाराज। भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ किया, पार्वती जी हुंका दे रही है, हूं हूं कर रही है, कथा सुनते सुनते पार्वती मैया को नींद आ गई, नींद आ गई सो महाराज समाधि लग गई, सो गए। तोते की बच्ची ने देखा मैया को नींद आ गई है और यदि भोलेनाथ का ध्यान
भंग हुआ, कथा का जो तारतम्य बना हुआ है तारतम्य टूट जाएगा, कथा का आनंद बिगड़ जाएगा। तोते के बच्चे ने हुंका भरना शुरू कर दिया। तोते का बच्चा बोलने लगा, हुंका भरने लगा। इधर जैसे ही कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे जयकारा लगाया महाराज, पार्वती जी की नींद टूट गई। हाँ हाँ भोलेनाथ, जब भगवान कन्हैया परमधाम जाने लगे तो उद्धव ने आकर के प्रश्न किया, योगी से योगी बिन न्यास, योगात्मन योग संभव, निस्त्री है साहमी प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। महाराज, भगवान कन्हैया जब परम धाम जाने लगे तो उद्धव ने आकर के प्रश्न किया, प्रभु त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। जब ये प्रश्न किया तो भगवान ने इसका उत्तर क्या दिया? भोलेनाथ कहते, देवी ये कथा तो मैं कब की कह चुका, इसका मतलब तुम कथा नहीं सुन रही थी। हाँ हाँ भोलेनाथ, मुझे नींद आ गई थी। भोलेनाथ ने कहा, पर ये हुका कौन भर रहा था, हूं कौन कर रहा था? उठ के देखा, बट वृक्ष के पीछे तोते का बच्चा पड़ा। भोलेनाथ को क्रोध आया, भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के उस तोते को बच्चे को मारने के लिए दौड़ पड़े। आज वो तोते का बच्चा बिना पंखों के उड़ने लगा, क्योंकि अमर कथा सुन ली। अब उसे कौन मार सकता, अमर हो गया वो तोते का बच्चा। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता नीचे आया। इधर महाराज बद्रिकाश्रम में पहुंचा, व्यास जी की पत्नी बटिका स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रही थी। ये ही सूर सहस्त्रंसो तेजो राशि जगतपति, अनुकंपाया मम भक्त्या गिरहणाम दिवाकर। मंत्र चारण करके जल दे रही थी। महाराज, तोते का बच्चा उड़ता उड़ता आया, बटिका के मुंह में गया, मुंह से घटाक से पेट में चला गया। व्यास जी के दरवाजे पर भोलेनाथ पहुंच गए। अरे व्यास जी, निकालो मेरे शत्रु को, आपके घर में छुपाया। आपका शत्रु? कैसा शत्रु? महाराज, मैं देवी पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली। व्यास जी बोले, महाराज कथा सुनना तो कोई पाप नहीं होता, और अमर कथा सुनने वाला जीव कैसे मरेगा? उसने अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो गया, अब आप उसको मार नहीं सकते। फिर उसने और कोई अपराध किया होता तब भी चलता, लेकिन कथा सुनना कोई पाप नहीं होता। संत कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आदियो तुलसी ही संगति साधु की, सोहरे कोटि अपराध। महाराज, कथा सुनना पाप नहीं होता, उसने कथा सुनी, कथा सुनने से आप मारना चाहते हो, क्यों? भोलेनाथ कहते हैं, उसने कथा का अपमान किया, मेरे ठाकुर की कथा पीछे से सुनी है। कथा कभी भी व्यास मंच के पीछे से नहीं सुननी चाहिए। भागवत जी में लिखा, जो लोग पीछे से कथा सुनते हैं उन्हें ब्रह्म विद्या चोरी करने का पाप लगता है, इसलिए कथा कभी भी सुनो, व्यास मंच के सामने बैठ के सुनना चाहिए, पीछे से नहीं सुनना चाहिए। इसने मेरे ठाकुर की कथा का अपमान किया, पीछे से कथा सुनी, इसलिए नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, निकालो उसे। व्यास जी ने समझाया, अमर कथा सुनी, अमर हो गया, उससे नहीं मारा जाए, वो मर नहीं सकता। व्यास जी की बात को सुन करके भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर लौट करके आए। इधर वो तोते का बच्चा बटिका के गर्भ में पल रहा, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पल रहा। बालक अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, लेकिन ये बालक को तो माँ के गर्भ में रहते रहते 9 साल हो गए। कितने साल हो गए? 9 साल। लेकिन गर्भ से ही बाहर नहीं आना चाहता। महाराज, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन ये बेटा गर्भ से बाहर आना नहीं चाहता। बटिका को बड़ा कष्ट होता है,
सोती है ना रात को, तो गर्भ के अंदर से वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। एक दिन बटिका ने व्यास जी से कहा, देखो महाराज, मेरे गर्भ के अंदर से वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा, देवी इसका मतलब है कि तुम्हारे गर्भ में कोई महान तपस्वी संत पल रहा है। वो ठीक है महाराज, पर ये गर्भ से बाहर क्यों नहीं आता, 15 साल हो गए। व्यास जी ने कहा, बेटा गर्भ से बाहर आओ, देखो ना तेरी माँ को कितना कष्ट है। तो गर्भ के अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं दुनिया में नहीं आऊंगा, क्योंकि दुनिया में आते ही भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए माफ कीजिए पिताजी, मैं दुनिया में नहीं आऊंगा। महाराज 16 साल हो गए, फिर भी ये बेटा गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। किशोरी राधा रानी जी आई, मेरे गोविंद आए, मेरे प्रभु ने कहा, अरे पुत्र गर्भ से बाहर आओ, देखो ना तेरी माँ बटिका को बड़ा दर्द है। तब 16 वर्ष के बाद ये पुत्र अपनी माँ के गर्भ से बाहर आया। अरे भक्तों, इसी बेटे का नाम पड़ा सुखदेव। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, कहीं कहीं लिखा है 12 साल तक रहे, और जैसे ही जन्म लिया सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए, तुरंत ही उठ करके चल दिए जंगल की ओर। पीछे से व्यास जी, पुत्र वापिस आ जाओ, पुत्र सुखदेव वापिस आ जाओ, लेकिन एक बार भी सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले जा रहे थे महाराज। एक बियावान जंगल में पहुंचे, वेद व्यास जी तो वहां बैठ करके जोर जोर से रोने लगे। हाँ पुत्र सुखदेव, इधर देखो, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, वापिस आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने नहीं सुना। कुछ देर बाद जैसे ही नेत्र खोल के देखे व्यास जी ने, तो देखा वहां मेरा बेटा सुखदेव नहीं है। चारों तरफ वृक्ष वृक्ष से आवाज आने लगी, किम अस्ति पिताजी सुकोहम सुकोहम, किम अस्ति पिताजी सुकोहम, क्या बात है पिताजी, मैं ही सुख हूँ, मैं ही सुख हूँ, मैं ही सुख हूँ। वृक्ष वृक्ष से, डाली डाली से, पत्ते पत्ते से आवाज आती है, मैं ही सुख हूँ, मैं ही सुख हूँ। व्यास जी ने देखा बेटा वापस नहीं आया। वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम पधारे, वहां जाकर के भजन करने लगे। वेद व्यास जी का मन बड़ा खिन्न है। सबसे पहले एक वेद था, वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद से 3 वेदों की संरचना और कर दी, तो बन गए 4 वेद। चारों वेदों की रचना हुई, फिर भी व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं है। अभी भी व्यास जी को लगता कुछ और करूं, तो वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले। 17 पुराण लिखे व्यास जी ने, फिर भी मन में शांति नहीं है, अभी भी लगता कुछ और करूं। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने कहा, महाराज अभी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण भी लिखना होगा। व्यास जी बोले, देखो नारद जी बुढ़ापा आ गया, इतना बड़ा भागवत ग्रंथ मैं नहीं लिख पाऊंगा। नारद जी ने कहा, संत की कृपा हो जाए तो फिर भगवंत की कृपा होने में समय नहीं लगता। प्रेम से कहो राधे राधे। जब संत की कृपा मिलती है तो भगवंत की कृपा मिलती है, क्योंकि महात्मा ही तो परमात्मा से मिलाया करते हैं। महात्माओं का काम है जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दे। प्यारे भक्तों, मुझे देखो, मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ संतों के आश्रम में रहती थी, संतों की सेवा करती थी। एक दिन कई सारे संत आए, मैं संतों के साथ रहता, संतों ने मेरा नाम रखा रामदास। संत जाने लगे तो मैं भी संतों के साथ जाने लगा। मेरी माँ रोने लगी, महाराज मेरे बेटे को मत ले जाओ, एक ही मेरा बेटा है। संत मुझे लेकर के नहीं गए,
ये नारद बाबा अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, नारद जी सुना रहे हैं। संत मुझे लेकर नहीं गए, मैं घर में रहता काम करता और कहता हे भगवान मेरी माँ मर जावे। क्यों मर जावे? क्योंकि संतों की सेवा नहीं करने देती, भजन नहीं करने देती, इसलिए मेरी माँ मर जावे। नारद जी कहते एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ गाय को चारा खिलाने गई, वहीं कहीं सर्प बैठा था, सांप ने मेरी माँ को डस लिया, माँ मर गई। माँ मर गई तो मैं रोया, मेरे दोनों आंखों से दो आंसू निकले, एक सुख का आंसू एक दुख का आंसू। दुख का आंसू निकला, माँ मरी है, बेटे को कुछ तो दर्द होगा ना, माँ के मरने का दर्द होगा ना बेटे को। तो एक को दुख का आंसू निकला और दूसरी आंख से सुख का आंसू निकला, ठीक मर गई, भजन नहीं करने देती थी, संतों की सेवा नहीं करने देती थी। संतों ने जाते जाते मुझे एक मंत्र दिया था, मैं आज जंगल में गया जाकर के उस मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि अनुरुद्धाय प्रणोनाय। महाराज मैं द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता हूँ और जैसे ही जाप करता हूँ महाराज मेरे देखते ही देखते सारी सृष्टि में प्रलयकालीन समय आया, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई और अगला जन्म जब मेरा हुआ तो मैं देवर्षि नारद बन गया। प्रेम से बोले रुद्रसल भगवान की। मैं अगले जन्म में देवर्षि नारद बन गया। तो ये संतों की कृपा है, इसलिए प्यारे भक्तों संतों की कृपा होती है तो भगवंत की कृपा होती है। आज नारद बाबा ने विद व्यास जी महाराज को चतुर श्लोकी भागवत, जो चार श्लोकी भागवत अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी थी वही चतुर श्लोकी भागवत नारद जी ने विद व्यास जी को सुना दी। अहमेव रंग है तो जीवन है, स्टे होम स्टे सेफ।